हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैंने सोचा क्यों ना, आज बहुत बड़ा दिन है, आज से हमारे यहाँ फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, आज आषाढ़ी है, तो आज आषाढ़ी के दिन से ही सारे त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ये ब्लॉग लाइव ही शूट कर लूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी क्या कर चुकी हूँ, क्या करने जा रही हूँ। तो मैंने अभी फटाफट से उठ के और अपने घर में, मेरी थोड़ा लेट थी आने में, तो मैंने झाड़ू पोछा करके फटाफट सोचा कि क्यों ना मैं आराध्य का टिफ़िन पैक कर दूँ। फिर मैंने उसका टिफ़िन पैक किया, उसको रेडी करके उसको स्कूल भेज दिया। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो पूजा में आज मैं बनाने वाली हूँ खीर पूड़ी और सूखे आलू, क्योंकि मेरा खाना है मेरे पापा के घर पर। तो इस वजह से मैंने दोनों चीज़ें गैस पर बनने रख दी हैं, और अब मैं थोड़ा सा अपने घर की सेटिंग स्टार्ट करती हूँ। साइड मैंने कुकर में आलू उबलने के लिए रख दिया, और दूसरी साइड मैंने दूध गर्म होने रख दिया था, जो कि अच्छे से उबल चुका है। दूध काफ़ी ज़्यादा था क्वांटिटी में, और मेरे घर पर खाने वाला कोई नहीं था। मैंने बताया आपको मेरा खाना मेरे पापा के यहाँ था, तो मेरे को खीर जो थी वो थोड़ी सी बनानी थी, तो मैंने दूध जो है वो कम कर लिया था। और इसमें मैंने राइस डाल दिए थे जो कि भीगे हुए थे कम से कम आधे घंटे। और ये मेरी खीर बनकर हो रही है रेडी। मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मुझे जल्दी से पूजा करने के बाद में ऑफ़िस भी जाना था, जिसका टाइम जो है वो 10:30 बजे से मेरे को ऑफ़िस पहुंचना होता है। तो मैं फटाफट से अपनी मेवा जो थी वो कट कर रही थी। तो उस मेवा में मैंने गोला डाला था, और बादाम, काजू, सफ़ेद इलायची और चिरौंजी, ये मैंने फटाफट से रेडी कर लिया था धोकर। और उसके बाद में फिर मैंने जो कुकर में आलू वाले थे वो फटाफट से छील लिए, और साथ में दूध और चावल दोनों चीज़ें उबल रही थी अच्छे से, मतलब खीर मेरी ऑलरेडी रेडी हो रही थी।
पूजा भी ऑलमोस्ट डन है, तो अब मैं रेडी हो रही हूँ ऑफिस के लिए। उसके बाद तब आराधी के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा और उसे पिक भी करना है। हालांकि उसकी बैंक छोड़ने आती है, बट मुझे उसे लेके आना पड़ेगा और उसको लंच भी कराना पड़ेगा और उसे सुलाना भी है, तो उसी वजह से अब मैं अपना ये काम फिनिश करती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए, और अब ऑफिस जाकर मैं क्लिप ही दिखा पाऊँगी, बात नहीं कर पाऊँगी आपसे, क्योंकि बाकी भी स्टाफ होता है वो भी अपना काम कर रहा होता है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैंने खाना खा लिया है, मैं बहुत 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 खा चुकी हूँ। अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, मेरे को वापस से ऑफिस निकलना है। तो अब मैं यहाँ को अलविदा बोलती हूँ, ठीक है।
ऑफिस से आके मैं इतना थक गई थी कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। मेरा मन कर रहा था थोड़ी देर में आराम कर लूँ, तो आकर मैंने थोड़ी देर आराम कर लिया और आधे को आधे का होमवर्क कराया। अभी भी देखो कर ही रहा है, लगभग थोड़ा हो चुका है, थोड़ा बचा है। ये उसने आज खुद ही बनाया है, देखिए रेड से रेसी कितना टफ होता है बनाना, और उसने खुद ही बनाया है ये। अभी ऐसे एड़ी ऐसे अनक कर रहा है, तब तक खेलने चला गया, तो मैंने सोचा लाओ बचा हुआ ब्लॉग में शूट कर लूँ, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो ये ब्लॉग का आज कैसा लगा, मैं यहीं दी एंड कर रही हूँ इसका, क्योंकि आज बहुत 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 थक गई हूँ। ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, ब्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच गाइज़, बाय।